नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज की पेशकश खास मुलाकात में। खेल बचपन से लेके तो बूढ़े होने तक एक खेल भावनाएं हमको सिखाई जाती हैं और सभी करिकुलर एक्टिविटी में कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई खेल में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज हम बात करें आज के दौर की, आज के आधुनिक दौर की, तो खेल में लोग करियर भी बना रहे हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे किसी भी करिकुलर एक्टिविटी के साथ में, पढ़ाई के साथ में, नौकरी के साथ में, अगर कोई भी खेल में हम अपने आप को शिरकत करते हैं, उस खेल को अपनाते हैं, तो हमारा जो विकास है, व्यक्तिमत्व विकास है, वो किसी और ही दिशा में जाता है जो कि बेहतर हो सकता है। लेकिन जब ये खेल की भावना को हम आगे लेकर जाते हैं और उसमें भी राजनीति आती है या उसमें कई अड़ंगे आ जाते हैं, अड़चनें आती हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। ऐसी ही कोई तकलीफ लेकर आज हमारे स्टूडियो में जो आए हैं हमारे मेहमान जो हैं अब्दुल रफीक जी, जो कि नागपुर एकेडमी फुटबॉल के अध्यक्ष, जिसकी उन्होंने स्थापना की थी 2017 में, उनका मैं स्वागत करता हूं। उनकी बात हम आज समझने की कोशिश करते हैं। अब्दुल रफीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे दर्शकों को भी आपको स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार रफीक जी। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की और जो बात हम रखना चाहते हैं, आपने एक फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की और एक अच्छे विचार रखकर आपने स्थापना की, एक दूरदर्शिता के साथ में, कि नागपुर के जो बच्चे हैं जिनको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, वो अपना करियर इसमें बनाए या उसमें तवज्जो दे और आगे भी इस खेल को आगे बढ़ाए। तो ये किस तरह की भावना लेकर आपने स्थापना की थी और आज क्या स्थिति है? हमने ये सोच के किए थे इसको कि नागपुर में कोई भी ऐसी क्लब नहीं है जिसने आई लीग की तैयारी की, अपने नागपुर के जो बच्चे हैं उनको इंडिया लेवल तक खेलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिले जी। और अपने नागपुर के बच्चे आज आई लीग जब तक ना खेले तब तक का इंडिया टीम तक पहुंचेंगे कैसे? आई लीग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है कि इंडिया टीम में खेलने के लिए आई लीग के ही प्रोसेस से जाना पड़ता है, वहीं से ही उनको सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जितने भी सिलेक्टर आते हैं सब वहीं पर देखने आते हैं, लोकल जगह पे नहीं आते हैं जी। वो पर पूरे वहीं पर रहेंगे, वहीं से बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। 13 साल 15 साल 17 साल हमने ये तीन एज क्राइटेरिया के बच्चों का बनाए थे, क्योंकि ये उनके ग्रोथ का टाइम होता है और जब ये आज ये जब जाएंगे तो ये जाके इंडिया के लिए आगे जाके रिप्रेजेंट करेंगे और एक इंडिया को अच्छा प्लेयर मिलेगा। तो अपना नागपुर इसमें बहुत पीछे था, अभी MP, छत्तीसगढ़, गोंदिया, यहाँ से टीमें जाती है। अपना नागपुर शहर इतना बड़ा रहने के और इतने स्पॉन्सर्स, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स रहने के बाद कोई भी टीम पिछले 30, 40 साल, 50 साल में कोई भी टीम आई लीग नहीं खेलने गई, उसके लिए हमने नया करने के लिए आज नया फुटबॉल है। पहले फुटबॉल अलग होता था, अभी नया फुटबॉल है। अभी फुटबॉल बहुत ऊपर जाते जा रहे हैं, समय के साथ में बहुत सारे बदलाव आते जा रहे हैं, बहुत चेंजेस आते जा रहे हैं। तो हमने भी उसी सोच को लेके चले थे कि हम कुछ क्वालिफाइड कोचेस, क्वालिफाइड कंपनियां जो हमारे को गाइड करती थी उनको लेके हम काम कर रहे थे और इसमें हमको थोड़ी सी दिक्कतें थोड़ी सी आ गई जी। अब जो हम दिक्कतों की बात कर रहे हैं, एक अच्छी भावना लेकर आपने जो नागपुर के बच्चे हैं जो फुटबॉल में, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने नागपुर एकेडमी फुटबॉल की क्लब की स्थापना की, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो फिर आई लीग खेलने के लिए क्या आपको अड़चन आई, क्या आपको नागपुर फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से अड़चन आई, तो किस तरह की अड़चन आई, वो भी हम यहाँ पर साझा करना चाहेंगे। नागपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से सिर्फ ये दिक्कत आई कि उनको एक अप्रूवल साइन देना था जी, एक स्टैम्प देना था, तो वो स्टैम्प और साइन के ही लिए एक इशू बना और उस इशू पे ही सब बातें बढ़ी। वो अब किसकी गलती है वो तो पता नहीं, उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है और हमने उनसे प्रूफ मांगा तो उनके पास भी कुछ प्रूफ नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसमें हमारी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी बोलेंगे, मतलब उनकी गलती, हमारी गलती, किसकी गलती, मगर मैंने उनसे ये भी पर्सनली बोला हूँ कि तुम खेल के लिए इस गलती को माफ भी कर सकते हो, इस गलती को डिनाई भी कर सकते हो जी। मैं भी आपसे वही बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और इस माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को भी शायद अपनी बात को हम समझाने की प्रयास करें कि खेल भावना के लिए ही, चाहे आपका क्लब हो या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हो, वो खेल भावना को आगे बढ़ावा देने के लिए बना हुआ है। जो बच्चे खेलना चाहते हैं, आप उनको प्रोत्साहित करना चाहते थे, उन खेल भावनाओं को देखते हुए थोड़ा सा 4 कदम आप आ गए, 4 कदम वो आ गया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा रिजल्ट जो है हमें प्राप्त हो सकता है कि सारी चीजें विन विन सिचुएशन में हो जाए। क्या कहेंगे आप?
हाँ, अगर हमको दो कदम पीछे हटना पड़े तो भी हम तैयार हैं, दो कदम उनको पीछे हटना पड़े तो वो तैयार है। ईगो को लेके अगर हम लड़ाई करेंगे तो खेल जो है वो ग्राउंड के बजाय कोर्ट में चले जाएगा जी, वो ग्राउंड के बजाय, और इससे बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल पैसा लाना काम हमारा है, सब कुछ हमको करना है, एसोसिएशन तो इसमें कोई हेल्प नहीं करती है, मतलब एसोसिएशन से कोई इशू नहीं है उसमें, ये हमने करना है। स्पॉन्सर्स लाना हमारा काम है, सब कुछ, बच्चों को डाइट देना हमारा काम है, ग्राउंड देना हमारा काम है, उनको स्विमिंग देना हमारा काम है, उनको जिम ट्रेनिंग देना हमारा काम है, उनको क्वालिफाइड देना कोच हमारा काम है, और एक सब कुछ को, सब कुछ हमको ही उसको उनको देना है बच्चों को। तो इसके लिए हमने बहुत कुछ, करीब 15 लोगों की टीम मिल के इसके लिए काम कर रही थी। एक मैनेजमेंट कंपनी को हमने बात किए थे कि जो मैनेजमेंट कंपनी इसको मतलब पूरा मैनेज करते थे, जो एक क्वालिफाइड मैनेजमेंट करके आते, मैनेजमेंट कोर्स करके आते हैं, हमने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लाए थे कि जो मतलब ऐसे, मतलब जिसके पास डिग्री ना हो। हमने जितने भी लोगों को लाए सब लाइसेंस और डिग्री वालों को लाए, मतलब जो भी क्रिटेरिया था नागपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का फुटबॉल के लिए जो काम करती है उनकी, उन्होंने एक जो क्रिटेरिया आपके सामने रखा, आपने लगभग सभी क्रिटेरिया को फुलफिल करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अड़चने ऐसी आ गई है कि ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। अब चलिए, आपने जो अब तक के जो प्रयास किए हुए हैं, और अब आपको, आप अपनी बात अगर रखना चाहेंगे नागपुर, अपना देश के नागरिकों के सामने, नागपुर के नागरिकों के सामने, खेल के जितने भी दिग्गज जो है हमको और आपको देख रहे हैं उनके सामने, तो आप क्या अपील उनसे करना चाहेंगे, क्या आपकी डिमांड है? अपील ये है कि अगर बच्चे खेल के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे कोई एनजीओ कोई संस्था हो, चाहे हम क्लब वाले हो, सारे लोगों ने मतलब ये करना चाहिए कि बच्चों को हेल्प करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो पुअर बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, वो एफर्ट नहीं कर पाते, उनको स्कॉलरशिप देना, जब हम स्पॉन्सर्स लाएंगे तो उनको स्कॉलरशिप देना। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो अच्छे घर के रहते हैं, पढ़े बड़े घर के, फाइनेंशियल अच्छा रहता है, वो लोग कुछ अपने को फंडिंग भी करके देते हैं, मतलब उनको वो दूसरे बच्चों के लिए अपने को मदद करते हैं कि हाँ ये गरीब बच्चा है, इनके लिए हमारे तरफ से कुछ मदद मिल सकती है। और अपने देश को फुटबॉल में, आज क्रिकेट में जिस तरीके से आज इंडिया टीम अपना लोहा मनाती है, आज वैसे ही हम चाहते हैं कि फुटबॉल में भी अपनी इंडिया टीम पूरी दुनिया में अपना परचम लहराए। हम, हमारे को बहुत गर्व होगा कि जब हम ये देखेंगे कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा हो फुटबॉल का। आपने जो सपना देखा है, हम भी कामना करते हैं कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो, क्योंकि हम भी देशवासी हैं और देश के बच्चों को हम उस फील्ड में भी आगे देखना बिल्कुल चाहेंगे। हम जो आपकी बातों से समझे हैं, वो समझने की और समझाने की कोशिश जो हम यहाँ पे करें, वो इस तरह से है कि आपने एक क्लब की स्थापना की और आप एक पेरेंट संस्था के पास में गए, जहाँ आपने उनको विनती की कि आपको आई लीग के लिए एक टीम तैयार करनी है, जिसके लिए उन्होंने क्रिटेरिया बांधा, उस क्रिटेरिया को आपने पूरा करने की कोशिश की। लेकिन करेस्पॉन्डेंस के दौरान जो जो हम लेटर एक दूसरे को देते हैं, उस दौरान कहीं ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई जिसके तहत शायद एसोसिएशन का ईगो हर्ट हो गया, कुछ गलतियां एसोसिएशन की तरफ से होगी, कुछ गलतियां आपके तरफ से होगी। इन गलतियों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के चलते, एक अच्छे वातावरण में इस पर डिस्कस करके कहीं ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, ताकि नागपुर के जो बच्चे हैं आपके माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से जो है आगे बढ़ सके, देश का नाम रोशन कर सके। हम फिलहाल आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं, आपके बच्चों को शुभकामनाएं दे सकते हैं, और कोशिश करते हैं कि इस माध्यम से कम हम आगे बढ़ने को एक कोई एक रास्ता मिल जाए। हम आपके प्रयासों की भी सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल रफीक जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के। थैंक यू, नमस्कार।